हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि यहाँ पे देखिए, एक त्रिभुज है, इसकी भुजा है एक्स और दूसरा एक्स प्लस एक और तीसरा भुजा है 2x-1। ठीक है, इसकी भुजा है और क्षेत्रफल जो है एक्स कड़ी में 10 रख दिया है। ठीक है, तो एक्स का मान निकालना है। ठीक है, बहुत ही ईजी है, ईजी तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे निकलेगा। ठीक है, ये काफी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझिए। ठीक है, तो इसका एक्स का मान निकालने के लिए सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे a बराबर एक्स और b बराबर क्या लिखेंगे x प्लस एक है और तीसरा क्या है 2x-1। ठीक है, a बराबर x, भुजा a बराबर x, भुजा b बराबर 2x, मतलब x प्लस एक और भुजा c बराबर 2x-1। ठीक है, अब ये है। ठीक है, अब क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल ये है और x का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम इसका अर्धपरिमाप निकालेंगे। तो अर्धपरिमाप लिखेंगे ऐसे, त्रिभुज का अर्धपरिमाप जिसको हम s से लिखते हैं, s बराबर होता क्या है a प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए कितना है x और प्लस b कितना है x प्लस एक है, पूरा है x प्लस एक और भुजा c कितना है 2x-1 प्लस 2x-1 बटे कितना है 2। और सबसे पहले हम x x को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए x यहाँ पे भी है और x यहाँ पे, तो x x 2x और 2x और प्लस 2x इजकल टू 4x। ठीक है, यानी कि 4x हो जाएगा, यहाँ पे प्लस एक और माइनस का एक ये हो जाएगा, कट जाएगा आपस में ये और ये कट जाएगा। ठीक है, और 2x प्लस 1x प्लस 1x बराबर हो जाएगा 4x, यहाँ पे हो जाएगा बराबर 4x बटे कितना हो जाएगा 2, इसको हम काट देंगे, ये हो जाएगा 2x बराबर 2x, यानी कि s बराबर कितना निकल के आया हमारा 2x। ठीक है, 2x आ गया। अब देखिए 2x तो आ गया, ये क्या है अर्धपरिमाप है, त्रिभुज का अर्धपरिमाप है। अब हीरोन के सूत्र से निकालेंगे तो हो जाएगा, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हीरोन का सूत्र लगाएंगे क्या हो जाएगा s, s-a, s-b और s-c। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो हीरोन का सूत्र है इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा हीरोन का सूत्र। तो यहाँ पे देखिए एक्स का मान कैसे निकलेगा, सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर इतना होता है। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दे रखा है, तो इसे जो दे रखा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ऐसे हम लिख देंगे, क्या दे रखा है एक्स कड़ी में 10। पहले हम तो इसको ऐसे लिख लेंगे बराबर क्या है एस हमारा कितना है 2x है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऐसे इसको लिखेंगे 2x, फिर s है 2x लिखेंगे, भुजा a को घटाएंगे, a कितना हमारा a पे यहाँ पे देखिए x है, तो हम इसको x ऐसे लिख देंगे, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे। उसके बाद में ऐसे ही देखिए, फिर यहाँ पे s है 2x लिखेंगे क्योंकि s बराबर 2x है और b भुजा कितना है एक्स प्लस एक है, तो घटाएंगे, तो इसको पहले ऐसे हम कोष्ठक लगा देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा एक्स प्लस एक, क्योंकि घटाना अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे मझला कोष्ठक लगा देंगे। ठीक है, सेकंड ब्रैकेट बोलते हैं इसको। उसके बाद में क्या है, फिर इसको ऐसे लिखेंगे, उसके बाद में यहाँ पे यस है s-c, s कितना है 2x लिखेंगे, माइनस c कितना है, c यहाँ पे है देखिए, तो c को ऐसे हम 2x-1 लिख लेंगे, इसको ऐसे हम कर देंगे। ठीक है, ये हम क्यों किए, क्योंकि देखिए इसमें दो पद है, एक पद दो पद। ठीक है, क्योंकि घटाना है, क्योंकि अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, जोड़ प्लस रहता तो हम इसको ब्रैकेट में नहीं लिखते, क्योंकि अंदर का चिन्ह बदलता नहीं, यहाँ पे माइनस है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में कर लिए हैं। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 2x, अब 2x में से x घटाएंगे कितना बचेगा x बचेगा, इंटू ऐसे x लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये भी गुणे में है, तो इसको भी ऐसे रहने देंगे, लिखेंगे 2x-x, ये हो जाएगा माइनस का एक, क्योंकि प्लस था यहाँ पे माइनस हो जाएगा, जब
कोष्टक हटेगा तो यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पे प्लस था माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस हो गया। फिर इसको करेंगे 2x, सेम इसमें भी होगा ऐसे, देखिए यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और ये जो रखा है एक्स कर्ढी में 10, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, क्या करेंगे एक्स प्लस 10 को ऐसे, एक्स कर्ढी में 10 को ऐसे लिखेंगे, बराबर लिखेंगे, यहाँ पे देखिए लिखेंगे, इसका गुणा कर देंगे, 2x² हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x में से एक एक एक्स घट जाएगा तो बचेगा एक्स माइनस एक, ये स्क्वायर है, ठीक है स्क्वायर है, और ये 2x 2x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे इन प्लस एक बचेगा, ठीक है एक बचेगा मतलब कि गुणे एक कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है वर्ग करने पर, ये दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स अंडर रूट 10 का स्क्वायर, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कर्ढी जो है ख़त्म हो जाएगा, कर्ढी जो ख़त्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x² और x माइनस एक हो जाएगा, क्योंकि एक का गुणा इसमें करेंगे तो वही रहेगा, इसलिए इसको हम लिख लेंगे, ठीक है। तो जब इसका गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा x² × 10, क्योंकि देखिए कर्ढी 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 हो जाएगा, और x का स्क्वायर करेंगे तो x², और x का वर्ग करेंगे तो x², और कर्ढी 10 का वर्ग करेंगे तो 10 ही होगा। अब यहाँ पे देखिए 2x² कर्ढी में x माइनस, नहीं ब्रैकेट में x माइनस एक है, कर्ढी बोल दिया x माइनस एक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए x² यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, गुणे में दोनों, यहाँ से x² कट जाएगा, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा, 10 बराबर 2 का गुणा इसमें कर देंगे हो जाएगा 2x, और माइनस 2 का गुणा इसमें करेंगे माइनस हो जाएगा 2, ठीक है। अब इसको यहाँ पे देखिए क्या है, 10 बराबर 2x - 2, ठीक है। ये जो 2 है इस साइड लाएंगे इसको तो हो जाएगा 10, ये माइनस का इस साइड लाएंगे प्लस का हो जाएगा, बराबर 2x ऐसे हो जाएगा, और ये 10 2 हो जाएगा 12 बराबर 2x, यानी कि x बराबर जो हो जाएगा 12/2, इसको हम काट देंगे, ये हो जाएगा बराबर 6, यानी कि यहाँ से x बराबर क्या आ गया हमारा 6, यही होगा हमारा आंसर, ठीक है। तो फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दीजिए एक लाइक, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।